सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करते हूँ आप सबको, मेरे नमन स्वीकार करें। तू बेमिसाल ओशो, तू बेमिसाल सद्गुरु, बेमिसाल ही होता है। हर युग में सद्गुरु आते हैं। एक समय की बात है, एक फकीर जिसके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत लोग उसे मानने वाले थे, बहुत प्रेम करते थे लोग, अभिजात वर्ग उसका शिष्य था, उस देश के राजा, बड़े बड़े सेठ, सब लोग उसके शिष्य थे। लेकिन इस फकीर की एक अजीब आदत थी, वो कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता और फिर जेल चला जाता, और फिर जैसे छुट्टी मिलती तो थोड़े दिन बाहर रहता, और फिर कोई चोरी कर लेता और फिर चला जाता जेल में, वापस कारागृह में। अजीब बात थी, शिष्य भी बहुत ही ऑफेंडेड फील करते थे। उनको सबको पता था कि इस फकीर को कुछ चाहिए ही नहीं, फकीर है बैरागी, कुछ उसकी जरूरत नहीं है, आप तो काम है वो, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। पूछते भी थे प्रश्न कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या जरूरत है, हम सब आपके चरणों में न्योछावर कर दें। लेकिन वो हंसकर मुस्कुराकर बात को टाल देता और फिर चोरी करता और फिर पहुंच जाता। लेकिन उसका करिश्मा ऐसा था, उसका आकर्षण ऐसा था, उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि लोग जब भी वो बाहर आए तो उसको छोड़ नहीं पाते थे, हजारों की संख्या उसके आसपास बैठी रहती। एक बात, अब समय आ गया उसका अंतिम, मरने का समय आ गया, लोग उसे घेरे थे, उसके प्रियगण, प्रिय शिष्य पूछे, आपने जिंदगी भर ये राज तो नहीं बताया, फिर भी हमें ये राज बता के जाएं कि आप ऐसा क्यों करते रहे, आपको कुछ नहीं चाहिए, हम जानते हैं, हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर आप क्यों चोरी करते थे। तो मुस्कुरा कर उसने कहा कि देखो, कारागृह में जो लोग हैं वो बाहर तो नहीं आ सकते, तो मैं तो कारागृह के बाहर हूं, मैं जा सकता हूं उनके पास, कौन उन्हें बताएगा, कौन उन पे करुणा करेगा, कौन उन्हें कारागृह से बाहर आने की युक्ति बताएगा, उपाय बताएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ता था, तो जाने का नियम है, चोरी करना पड़ता था तभी तो जाऊंगा, बार बार ऐसा इसीलिए करता था। और जब कारागृह के भीतर जाता तो वहां लोग प्यासे हैं, वो तड़प चुके हैं, वो कारागृह के दुख को भोग चुके हैं, पक चुके हैं बाहर आने के लिए, उनके पास टाइम भी है, उनके पास प्यास भी है, और बड़े ग्रहणशील होकर वो मेरी बात को लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेरी मौजूदगी उनके लिए बहुत लाभदायी होती रही है, और उन्हें उपाय देता था। बाहर तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बाहर तो लोग उलझे हुए हैं अपने संसार में, अपनी अपनी दौड़ में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में, उनके पास कहाँ समय है, वो रिसेप्टिविटी नहीं है, वो प्यास नहीं है, वो समय नहीं है। कारागृह में कैदियों के पास समय ही समय है, तो मैं इसलिए चला जाता था उनके लिए। ऐसे ही हमारे मन में अक्सर प्रश्न उठता है कि हमारी आत्मा भी मुक्त है, स्वतंत्र है, ज्ञान है, हमारी आत्मा, ज्ञान का नाम ही आत्मा है, तो फिर ये क्यों बंधन में, त्रिगुण के बंधन में क्यों फंस गई है, कारागृह में क्यों है, माया मोह लोभ के जंजाल में क्यों है, इस दौड़ में क्यों है, इस तमस में क्यों है, क्यों बंधी है ये आत्मा हमारी। बड़ा सवाल ये जो है, इसका इसका एहसास इस कहानी से पूरा हो जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। फकीर स्वतंत्र है इसलिए कारागृह जा सकता था, कारागृह का आदमी कैसे बाहर आएगा, कारागृह का आदमी कारागृह में कैसे जाएगा, स्वतंत्र था इसलिए कारागृह में जा सकता था फकीर, और चूंकि अपनी इच्छा से जाता था तो कारागृह में रह के भी वो मुक्ति महसूस करता था। तो ऐसे ही हमारी आत्मा चूंकि स्वतंत्र है,
हमारी चेतना को, लेकिन जब तक लगेगा वो शरीर में रहती है, इसी शरीर में, इसी मन में, इसी शरीर में रहती है, उसे लगेगा जब तक इससे सुख मिल रहा है, उसका इंटरेस्ट बना है, और तब वो त्रिगुण के बंधन में बंधी रहेगी, क्योंकि ये शरीर और मन में ही ये गुण है, ये त्रिगुण सत्व रजतम इसी मन में, इसी शरीर में है, और इतने इसी में ये आत्मा रह रही है। तो इसे जब तक लगेगा इससे रस मिल रहा है, इससे सुख मिल रहा है, तक ये बंधी रहेगी। इससे दुख मिल रहा है ये बताने के लिए भगवान बुद्ध आते हैं और संत आते हैं, बताते हैं कि ये क्षणभंगुरता इस शरीर की, इस देह की और इस संसार की, और जो भी मिल रहा है उसकी विपरीत बात बताते हैं कि इस क्षण भर का सुख है, बाद में दुख है, ये जीवन, ये जवानी, ये सारी चीजें थोड़ी देर की हैं, चली जाने वाली हैं। ये क्षणिकता को बताते हुए वैराग्य पैदा हो जाए इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक इसे ये भीतर से परिपक्वता ना आ जाए, इसलिए ओशो कहते हैं कि संसार को इससे छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं, भोगो। और जब पता चलेगा भोग भोग कर, दुख, हर सुख दुख लाता है, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो प्रिय का मिलन है वो सुख देता है ना, प्रिय का विछोह जो है वो दुख देता है, तो शत्रु का मिलन दुख देता है, उसका विछोह सुख देता है, तो ये द्वंद्वात्मक चीजें हैं यहाँ पर, और ऐसा होता रहेगा। लेकिन बात फिर भी समझ नहीं आती, भगवान बुद्ध अपने लोगों को मरघट जाकर ये एहसास कराते थे, भेजकर 4 महीने रहो, देखो कैसी है जो शरीर जिस पर हम पागल हो जाते हैं लोगों के लिए, वो जल कर राख हो रहा है, मरण धर्म है, एक दिन ऐसा हमें भी जलना है, ये बात बताते हैं ताकि पता चल जाए इस शरीर और मन से बंधने का जो कारण है, उस जो वो जो भ्रम है, इससे सुख मिल रहा है और यही मेरा होना है, ऐसा मान बैठते हैं। ऐसे समझो कि एक मिरर में लगातार हम अपनी छवि को देख रहे हैं, और ये मिरर में कॉन्स्टेंटली हम हैं, ये मिरर हमारे साथ ही है लगातार, तो ये जो इसमें जो छवि बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम अपना होना मान ले रहे, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। इसी शरीर में हमारी आत्मा है, इसी और मन के पास इतने करीब है कि इनके साथ वो इतनी एकता महसूस करने लगी है और त्रिगुण के बंधनों में फंसी हुई है। बाहर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां जाकर थोड़ी देर के लिए सात्विकता उतरती है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस चेतना का गुण है, ये अनुकरण करने लगती है, जैसा देखती वैसा हो जाती है, होने लगती है। तो क्षण भर, जैसे मान लो कुछ लोग तमस से घिरे हुए लोग बैठे उबासी ले रहे हैं, और हम जाते हैं, हम अचानक पाते हैं हम भी उबासी लेने लगे, हम भी ऐसे ही तमस से घिर गए, आलस्य से घिर गए, जैसी बातें हो रही हैं तामसिक वैसी हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, और कुछ इसीलिए गुरुद्वारे जब जा रहे हैं, मंदिर जब जा रहे हैं, वहां वहां दूसरी हमारी चेतना के उठान की बातें हो रही, उत्थान की बातें हो रही, और वहां पर क्षण भर को हमारे भीतर सात्विकता उतरती है, और इस सात्विकता का अगर रस लग जाए तो फिर आसानी से हम इस ओर चल सकते हैं, और त्रिगुण के बंधन से मुक्त होने के लिए सात्विक होना पहले जरूरी, और इस सात्विकता से फिर छलांग लग जाती है। तो इसीलिए अब सद्गुरु ओशो और विस्तार से हमें समझाएंगे त्रिगुण के बंधन का कारण, और त्रिगुण के बंधन से हम कैसे बाहर आए इसका उपाय। जो व्यक्ति कारागृह में रहा है वो कारागृह से बाहर आने का उपाय हमें आसानी से बता सकता है, सीधे परमात्मा हमें नहीं बता सकता ये उपाय, सीधे परमात्मा नहीं बता सकता, क्योंकि वो कभी बंधन में नहीं रहा। लेकिन जो भी गुरु आए, संत आए, बुद्ध आए, वो सब एक दिन इस शरीर के बंधन में रहे और इससे मुक्त हुए, तो इससे मुक्त होने का उपाय उनके पास है। कृष्ण आए वो बताते हैं, कृष्ण से लेकर भगवान ओशो तक
निरंतर ये आते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे हम इन त्रिगुण के बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र चेतना के स्वभाव को पहचाने और उसमें स्थित हो जाएं।